अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये से कर्नल जी बात करें अगर तेल तिलन की, तो तेल तिलन में आपको क्या लगता है, अब तेल तिलन में कैसा रुझान रह सकता है? विदेशों में देख रहे हैं सोयाबीन तिलन काफ़ी तेज है, $1530 के पार निकल चुकी है, वही सरसों की अराइवल्स आने वाली है मंडियों के अंदर भारत में, ऐसे में आपको क्या लगता है खाद्य तेलों का बाजार भी कैसा रह सकता है? एडेबल ऑयल्स के अंदर देखिए सोयाबीन ने बड़ी अच्छी मूवमेंट करी है, लेकिन आप मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सोयाबीन में सावधानी रखनी चाहिए। और जहां तक सरसों का सवाल है, बिल्कुल फरवरी का महीना शुरू हो चुका है जी। और फरवरी के अंत तक जो महत्वपूर्ण रबी की जो सबसे बड़ी फसल है सरसों, वो भी बाजारों में देखने को मिल रही है। और जहां तक जो आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए हैं वो उसके अंदर करीबन 24-25% की अधिक बिजाई है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस बार सरसों की जो फसल है वो जादुई आंकड़ा भी प्राप्त कर सकती है, लेकिन इन सब का निर्णय होने वाला है अगले 10 दिन में जी। अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे सरसों के लिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगले दस दिन सरसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या सरसों के भाव ऊपर जाएंगे या फिर यहाँ से होगी जबरदस्त मुनाफा वसूली, और बाजारों के अंदर जैसे ही सरसों आने लगेगी बाजार किसानों के चेहरे खिलेंगे या फिर व्यापारियों के चेहरे खिलेंगे? तो देखिए दो महत्वपूर्ण अच्छे, किसानों के चेहरे तो तभी खुलेंगे जब उनको उनके फसलों को दाम अच्छा मिलेगा, और व्यापारियों के चेहरे तभी खुलेंगे कि जब उनको नीचे माल मिलेगा, ताकि वो अगले 2-3-4-5 महीने के अंदर उसको बेच के मुनाफा कमा सके। कौन किनका पड़ा भारी रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसका निर्णय अगले 10 दिन कर देंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्लोज तरीके से वॉच कर लीजिए। अगले मलट में दे रहा हूं, उसको विशेष ख्याल रखिए। ये अखिलेश जी जी,